हमारे यहाँ पर शक्ति साधना, शक्ति उपासना करने का सिद्ध पीठों से अनेक समय से ऋषि मुनि लोग अपने जीवन को अश्विनी नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि आने वाले 25 तारीख की सितंबर से 4 अक्टूबर तक अश्विनी मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही 2022 के आप सबको सादर इस साधना का आह्वान है हिमालय के ऋषियों की ओर से कि शक्ति साधना वर्ष में हम अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए 9 दिवसीय इस अनुष्ठान को जब हम संपन्न करेंगे तो इसमें 3 तरीके के हम साधना कर सकते हैं। सबसे पहली सरस्वती शक्ति के जागरण के लिए, अपने बच्चों की मेधा बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारी वाणी और सरस्वती को जागृत करने के लिए ह्रीम का बीज मंत्र गायत्री मंत्र में लगा करके एक माला नित्य यदि हम करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः ह्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीम सरस्वती का बीज मंत्र है और संपूर्ण गायत्री मंत्र इस पूरी ब्रह्मांड की सप्त शक्तियों को जागृत करने का युग ऋषि लिखते हैं कि गायत्री मंत्र बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र में जब ह्रीम का आपने संपूट लगा के साधना करे तो 9 दिनों में आप खुद महसूस करोगे चित्त की चेतना की एकाग्रता को, प्रखर बुद्धि तत्व के माँ शारदा वीणा वादिनी को जीवा पर जागृत करने के लिए अपने बच्चों से कराइए। जो विद्यार्थीगण विद्यालय जाते हैं इनसे कराइए, इनकी बुद्धि प्रखर बनेगी, इनकी वाणी में सरस्वती का तेज आएगा। इतना ही नहीं, इनका पढ़ा लिखा हुआ मेधा बुद्धि में याद रहेगा। और दूसरी साधना कर सकते हैं वह नर नारी जो साधन संपदा के अभाव में सुयोग्य घरवर की प्राप्ति के कारण विभिन्न प्रकार की मानसिक रूप से टूटे टूटे नजर आते हैं तो इनकी स्त्री समृद्धि को बढ़ाने के लिए युग ऋषि लिखते हैं श्रीम का जो बीज मंत्र है उसे गायत्री मंत्र में जैसे ह्रीम को लगाया था ऐसे श्रीम का बीज मंत्र लगा करके गायत्री का 9 दिवसीय एक माला या लघु अनुष्ठान करके देखें आप, आपके घर के जितने भी उद्योग व्यापार कृषि नौकरी सुयोग्य वर की तलाश सुयोग्य वधु की तलाश इन सब में प्रभु कृपा से आपको इच्छित जीवन में प्राप्ति होगी। और तीसरी साधना होती है शत्रु शक्ति की सुरक्षा के लिए, शत्रु शक्ति से आत्मबल बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की शक्ति को मजबूत करने के लिए देश की सीमाओं के समर्थ सैनिकों की शक्ति के जागरण के लिए और अपने आप की 10 ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्रियों की सुरक्षा कवच के लिए, अपने जीवन के मानवीय शक्ति की सुरक्षा कवच के लिए क्लीम का जो बीज मंत्र है वो उसी तरीके से लगा करके आप उच्चारण करें एक माला का, ओम भूर्भुवस्वः क्लिम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लिम 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 ओम। इस तरीके से आप अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और नित्य सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर एक माला इस बीज मंत्र के साथ करें और शेष गायत्री मंत्र की उपासना 27 माला की प्रतिदिन करने से एक 24,000 का लघु अनुष्ठान बन जाता है। नवरात्रि साधना में किया गया गायत्री अनुष्ठान हर विधि साधकों की समर्थ सत्ता मन शरीर की इंद्रियों के साथ जिस दिशा में हम लोग कई बार क्या कहते हमारा उपासना में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता है, किसी योजना में मन नहीं लगता है, गायत्री महामंत्र तो कहता ही यही है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक पापनाशक श्रेष्ठ परम तेज को हम अंतर आत्मा में धारण करते हैं और वह परम पिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर
प्रेरित करें और सत्यम परम धीमहि, बहुत बड़ी साधना है। धीमहि का अर्थ ही होता है अपने अंदर ध्यान की शक्तियों को, अपने अंदर एकाग्र चित्त को, चेतना को, अपने जीवन के अंदर देव प्रवृत्तियों को धारण करके अपने मन में जितने भी भय और भ्रम है उनका हम निवारण कर सकते हैं। अनंत कोटि परमात्मा सत्ता सूर्य के इस नवरात्रि के कालखंड में देवी शक्तियों का अनुग्रह होता है, प्रसुप्त शक्तियों का जागरण होता है और अश्वनी मास जो होता है यह हमारे जीवन का स्वास्थ्य का कायाकल्प करता है, क्योंकि इसके बाद फिर शरद पूर्णिमा आ जाती है और शरद ऋतु जो होता है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जिस प्रकार से ओस की बूंदे आती है वर्षा थमने के बाद घास पर पत्तों पर, ऐसा ही ईश्वरीय शक्तियों का ओज तेज और आशीष हम बच्चों को मिले इसके लिए शरद उत्सव की खीर पी जाती है। तभी तो गायत्री धाम में हजारों नर नारी 9 अक्टूबर को आने वाली शरद पूर्णिमा पर्व पर चंद्रमा का ध्यान करेंगे, चंद्रमा की अमृत किरणें पिएंगे, आप भी पधार सकते हैं। और अद्भुत कार्यक्रम हमारा संपन्न होने वाला है 25 सितंबर से शाम 5 बजे से 4 अक्टूबर 10 बजे तक नवरात्रि साधना का यहाँ पर शिविर लगेगा। इस शिविर में सुंदर आवास व्यवस्था के साथ आप लोगों को उच्च स्तरीय साधना शिविर का कार्यक्रम का पाठ्यक्रम बना है। आप 9 दिन पूज्य गौ माता सुरभि की तपोभूमि पर ऋषि युग्म के दिव्य आशीषों की छत्र छाया में सुंदर हरे भरे उपवनों में सुंदर सरोवर सप्त ऋषियों की गोद में वास करेंगे। आप यहाँ भी पधार सकते हैं। सादर आमंत्रण। ओम शांति शांति।